हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वी वेलकम यू ऑल येट अगेन टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्साज, जहां पे हम टैक्सेशन, सेक्रेटेरियल, फाइनेंस, लीगल एंड और भी तरीके के अपडेट्स डालते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम MCA। इसका मतलब ये है कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज या फॉर चेकिंग पर्पसेस या फॉर एनी पर्पसेस आपको किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 8 बेसिकली जो भी कंपनी MCA या ROC पे रजिस्टर्ड है उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट मतलब हो गया या एनुअल फाइलिंग फॉर्म हो गया या कुछ भी ऐसा। तो आज हम वो स्टेप्स देखेंगे कि हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होता है mca.gov.in पे, ये रहा होम पेज, यहाँ आप जाएंगे। उसके बाद MCA सर्विसेज में जाके यहाँ है, तीन ऑप्शन है, गेट सर्टिफाइड कॉपीज। ये सर्टिफाइड कॉपीज करने का मतलब क्या है कि वही डॉक्यूमेंट्स फिजिकल सेट में आपके पास आपके एड्रेस पे वाया कुरियर आएगा। इसके भी रिलेवेंट चार्जेस है 100 से लेके 500 रुपए तक के। और एक और है रिक्वेस्ट फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये भी वैसा ही है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके वो भेज देते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं जहाँ लॉक लगा हुआ है मतलब कि उसके लिए आपका लॉगिन आईडी होना इम्पोर्टेंट है MCA के साइट पे। उसके लिए आपको CA या CS बनने की कोई नीड नहीं है, नॉर्मली आप बिजनेस यूजर बना के अपना उस पर कर सकते हैं काम। तो बेसिकली जो मेन सबसे ईजी पर्पज है वो ये है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इस पे जाएंगे आप। यहाँ आप कंपनी का नाम से भी कर सकते हो सर्च, सिन नंबर से भी कर सकते हैं सर्च, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकते हैं सर्च और स्टेट से भी कर सकते हैं आप सर्च, ठीक है। बट स्टेट से ऑफ कोर्स आप करने जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। बेसिकली विल यूज नेम, तो शॉर्ट में एब्रिविएशन वर्ड भी डाल के आप कर सकते हैं ताकि पूरा डालने की नीड ना पड़े। अब टेक्साज नाम से जैसे आप देख सकते हैं ये तीन कंपनियां हैं। अच्छा, इसमें और अगर आपको LLP का करना है चूज तो आप ये चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद मुझे सपोज टेक्साज फिनसर्व का निकालना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देन आई विल चूज फॉर द डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी। सर्टिफिकेट्स बेसिकली आर दोस जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आते हैं, COI वगैरह, वो यहाँ से आप कर सकते हो। चेंज इन डायरेक्टर्स मतलब बेसिकली वही है, जब भी आपने चेंज वगैरह है क्या हुआ उसके चाहिए तो ये। इनकॉर्पोरेशन टाइम के ये चार्ज बेसिकली होता है जब कंपनी लोन लेती है और अपने एसेट मॉर्गेज करवाती है तो ये फॉर्म फाइल होते हैं, वो निकाल सकते हैं आप। एनुअल रिटर्न्स एंड बैलेंस शीट ई फॉर्म्स, LLP फॉर्म्स, बाकी अदर ई डॉक्यूमेंट्स एंड अदर अटैचमेंट। जब हम एनुअल फाइलिंग फॉर्म या कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके साथ में अटैचमेंट्स बहुत सारे जाते हैं, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज करके उसके बाद ईयर ऑफ फाइलिंग। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो बेसिकली कली आपको वही ईयर चूज करना है जहाँ इनकॉर्पोरेशन मतलब हुई है, बाकी एनुअल रिटर्न अगर आपको चूज करना है उसके बाद आप ईयर चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस केस में 22 चूज कर दे रहा हूँ क्योंकि 23 की अभी तक है नहीं हुई, इसके केस में 22 की, हाँ सॉरी 22 की अभी मतलब होनी है, 21 की हो चुकी है तो ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आप कर सकते हैं इसको ऐड दिस कंपनी टू कार्ट। तो अभी आपने एक कंपनी का ऐड कर दिया, वैसे अभी MCA है, कई बार यही होता है कि सेशन एक्सपायर एंड ऑल के वजह से तो आपको फिर से लॉगिन करना है यहाँ अपने आईडी वगैरह से। हाँ, और फिर उसके बाद एक बार और आप स्टेप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग से, इसीलिए ऐड दिस कंपनी टू कार्ट आ गया।
अब आपको इस कंपनी के अलावा और भी कंपनी करने हो तो वैसे ही करके ऐड मोर कंपनीज कर सकते हैं, मेक पेमेंट पर कंपनी आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी है। और एक बार जब आप वो पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो है आपके पास ये यहाँ वो कंपनी का नाम और ईयर और एक्सपायरी टाइम आ जाता है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आ गया है उसके बाद से 3 घंटे नहीं, पर जब आप ये क्लिक करते हैं और पहला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तब से लेके 3 घंटे का टाइम आपको एमसीए देती है कि उस टाइम तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप बिजी हैं या फिर उस टाइम आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं सारा, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप उसको उस टाइम स्टार्ट भी ना करें। आप स्टार्ट भी उसी टाइम करें जब आपके पास टाइम हो या इंटरनेट एक्सेस अच्छा हो। बहुत बार नेट के इशू की वजह से भी आप अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो टाइम लैप्स हो जाता है और 3 घंटे के बाद फिर आपको दोबारा 100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो बहुत बार क्या होता है कि टेक्निकल रीजन की वजह से भी वो डाउनलोडिंग में इशू आती है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कर रहे हैं फेस, तो आपको फिर क्या करना है, टिकट ट्रेस कर देना एक बार एमसीए के साइट पे जाके। यही कहीं हुआ करती थी एमसीए की टिकट ट्रेस करने का इशू। ये रहा क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट। आप यहाँ जाके टिकट ट्रेस कर देंगे, डिटेल डाल देंगे, एसआरएन वगैरह डाल देंगे तो क्या रहेगा, फिर आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके 100 रुपये वेस्ट भी नहीं होंगे और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3 घंटे बाद जब आप यूज कर लेंगे तो फिर यहाँ से वो हट जाएगा और यहाँ ये ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो ये रहा, इस तरीके से आप इंस्पेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं और किसी भी पर्पसेस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। एंड अगर इससे रिलेटेड और भी कोई भी इश्यूज हो या क्वेरीज हो तो डू रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच।